नमस्ते आदाब, द लीडर हिंदी के सतरंगी दुनिया शो में आपका स्वागत है। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं आज की दिलचस्प खबरों के साथ। अमेजन प्राइम वीडियो की ओर से आज अमेजन ओरिजिनल फिल्म यानी गहराइयां के 6 नए पोस्टर रिलीज किए गए हैं, जिसका दर्शकों को लंबे समय से इंतजार है। बेहद प्रतिभाशाली निर्देशक शकुन बत्रा के निर्देशन में ये फिल्म बनी है। 5 जनवरी यानी आज एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण का बर्थडे है। जी हाँ, फिल्म की मेन आर्टिस्ट दीपिका के बर्थडे के खास मौके पर पोस्टर्स रिलीज किए गए हैं। इन नए पोस्टरों के अंतर्गत सभी किरदारों को अलग अलग दर्शाने वाले बेहद लुभावने पोस्टर के साथ साथ दीपिका और सिद्धांत का दिल को छू लेने वाला पोस्टर और सभी कलाकारों का सामूहिक पोस्टर शामिल है। दीपिका पादुकोण ने सबसे पहले अपने सभी फैंस के लिए इन पोस्टर्स को शेयर किया था। उन्होंने लिखा, आप सभी के सब्र और भरपूर प्यार के लिए ये इस खास दिन पर आप सभी के लिए खास तोहफा है। गरीबों के मसीहा यानी कि सोनू सूद इन दिनों अपने घर मोगा में हैं, जहां उनकी बहन मालविका के चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही हैं। आपको बता दें कि इस बीच सोनू ने एक और पहल की है, मोगा दीदी यानी मोगा की बेटी नाम से। इस कैंपेन के तहत उन्होंने मोगा के आसपास के 45 गांवों की बेटियों को साइकिल दी हैं। सोनू ने इस बारे में कहा कि घर से स्कूल की दूरी बहुत है और इस ठंड में उनके लिए जाना मुश्किल हो रहा है, इसलिए हम 8वीं से 12वीं तक के बच्चों को साइकिल दे रहे हैं। गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स ने जरूरतमंदों की पहचान की है। टीवी के पॉपुलर शो द कपिल शर्मा शो और बड़े अच्छे लगते हैं शो से फेम एक्ट्रेस सुमोना चक्रवर्ती कोरोना से पॉजिटिव हो गई हैं। हाल ही में उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए सभी को इस बारे में बताते हुए लिखा, मैं कोविड पॉजिटिव हो गई हूँ, घर पर क्वारंटाइन हूँ। पिछले हफ्ते से मेरे संपर्क में आने वाले सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज अपना टेस्ट करवाएं। इसमें एकता कपूर, प्रेम चोपड़ा और उनकी पत्नी, अर्जुन कपूर और उनकी बहन अंशुला कपूर, रिया कपूर और उनके पति करण बुलानी का नाम शामिल है। अतरंगी रे का प्रमोशन करने के लिए अक्षय कुमार कपिल शर्मा शो के सेट पर पहुंचे। इस दौरान अक्षय ने कपिल के सवाल पूछने के लहजे पर ही सवाल खड़े कर दिए, मगर कपिल भी कहां पीछे रहने वाले थे। उन्होंने अक्षय को याद दिलाया जब उन्होंने एक बड़े नेता का इंटरव्यू लिया था, तब भी ऐसे ही सवाल किए थे। एक वीडियो ट्विटर पर सामने आया है जिसमें बातचीत के दौरान अक्षय से कपिल कोई सवाल पूछते हैं, लेकिन अक्षय जवाब देने के मूड में नजर नहीं आते। वो कहते हैं कि किस तरह के सवाल पूछ रहे हो। इसी बीच बात काटते हुए कपिल कहते हैं कि आपने भी एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन का इंटरव्यू लिया था, मैं नाम नहीं लूंगा, मगर आपने उनसे ये पूछा था कि आपके ड्राइवर का लड़का कह रहा था कि आप आम चूस कर खाते हैं या किस तरह खाते हैं। वैसे जानते सभी हैं कि कपिल का इशारा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की तरफ था, जिनका इंटरव्यू अक्षय ने 2019 में लिया था। कपिल भले ही बाद में अपने ही बनाए जाल में फंस गए, मगर उन्होंने जरा से समय के लिए ही सही अक्षय से मौज ले ली। और फिलहाल सतरंगी दुनिया शो में इतना ही। बॉलीवुड, हॉलीवुड और टीवी प्लेटफॉर्म की और अपडेट्स के लिए देखते रहिए द लीडर हिंदी। शुक्रिया।